सभी को राम राम जी, जय माता दी। जय माता दी। तो जैसे कि आप लोग माता मचेल देवी जी की यात्रा हमारे चैनल पर देख ही रहे हैं, हम इस समय भवन में हैं। मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं भवन के, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान। इस समय जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये सभी लोग दिल्ली से आए हुए हैं और दिल्ली से आके इन्होंने यहाँ पर माता रानी का के दर्शन किए हैं। मैं इन्हीं से बात करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका जी, और आप क्या पहली बार यात्रा कर रहे हैं या पहली भी आ चुके हैं? नहीं, मेरा नाम जग्गी अरोड़ा मेरा नाम है जी, और मैं हर साल आता हूँ। पिछले 8 साल से रेगुलर आ ही रहा हूँ। दिल्ली से आते हैं? दिल्ली से आते हैं हम लोग, पूरा ग्रुप ही आता हूँ। लोगों का ग्रुप आया इस बार? सब इस बार तो आए हैं जी, टोटल हम 18 लोग आए हैं टोटल, और ऐसे ही बढ़ रहे हैं। पहले आए थे 4, फिर आए 6, अब आज 18 आए हैं। नेक्स्ट टाइम माता रानी 50 कर दे, जिसको माँ बुलाएगी, चंडी माता। कैसी रही यात्रा? जितने भी दर्शक या श्रद्धालु सुन रहे हैं, उनको बताएंगे कितनी अच्छी यात्रा है और सबको आना चाहिए? बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया यात्रा। फैसिलिटी यहाँ रहने के लिए, हमारे इधर मचेल रिसोर्ट्स, हमारे अरुण जी हैं, मिस्टर अरुण जी, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है कि किसी यात्री को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होटल फैसिलिटीज़ बिल्कुल 5 स्टार की तरह, तो इनका जो मैट्रेसेस, पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। फूड फैसिलिटी, मतलब ऑल इज़ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। भाई साहब, आपका नाम क्या है और बताएंगे अपना एक्सपीरियंस इस यात्रा को लेकर? मेरा नाम गिरधर गोपाल शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ की यात्रा का एक अलग ही अनुभव है और अलग ही इसमें फीलिंग्स आती है। माता की मूर्ति में जाएंगे, आपको अपने शरीर से एक अगली कहते अजीब सी उमंग सी जागेगी, और बहुत अच्छी यात्रा है। हमारे अरुण जी बहुत अच्छे हमारे सपोर्टिंग हैं, हम जब भी आते हैं इन्हीं के टेंट्स वगैरह में, होटल्स में ठहरते हैं और हमारे को पूरी फैसिलिटीज देते हैं। थैंक यू अरुण जी। ये सभी लोग ना दिल्ली से आए हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो यात्रा है माता मचेल देवी जी की, जो एक छोटी सी जगह पाडर से शुरू हुई और आज देखिए देश के कोनों कोनों तक पहुंच रही है। तो मैं भी प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक बार इस यात्रा पर ज़रूर आइए, क्योंकि आप माता वैष्णो देवी तो आते हैं, लेकिन इस यात्रा पर ज़रूर एक बार आइए। ये बड़ी अच्छी यात्रा है, और आप आएंगे तो और भी देश से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। आप भाई साहब बताएंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोहित तेजपाल है, और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, पर मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, और मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। जग्गी जी लेकर आए हैं मेरे को यहाँ पे, और मेरा बहुत ही अलग ही अनुभव रहा है। ये स्वर्ग है, ये इसकी अनुभूति हम सिर्फ स्वर्ग से कर सकते हैं। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आगे और लोग भी आएँ यहाँ पे और इस यात्रा को और ग्रैंड लेवल पे करें। और अरुण जी का अरेंजमेंट वॉज वेरी नाइस एंड वेरी ऑसम, फैंटास्टिक। बिल्कुल, अरुण जी से बात करेंगे। अरुण जी, जो आपने यहाँ पे अरेंजमेंट रखे थे, दिल्ली के जितने भी लोग आए हैं सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे ये इस रिजॉर्ट के बारे में, और कब से आपने शुरू किया और कितना ज़्यादा इससे टूरिज़्म को भी आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं? ये हमारा 8th ईयर है हमारे रिजॉर्ट को, और मेरा ये था कि मैक्सिमम लोग बाहर से आना शुरू हुए हैं, बिकॉज़ ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है, नेचर मतलब बरसा हुआ है इस जगह पे, और लोगों को काफ़ी अच्छा फील आता है यहाँ पे। तो मेरा था कि जो लोग आए यहाँ, एक दो दिन रुके, आसपास की मोनेस्ट्रीज़ हैं, अच्छे गाँव हैं, माता रानी की काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे पास्ट में। बट हमने एक अच्छा रिजॉर्ट बनाया यहाँ पर कि यहाँ लोग रहें और रात को कैंप फायर वगैरह में इंजॉय करें, वो म्यूज़िक सुने, इंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें। इसलिए हम ये 8 साल से ये रिजॉर्ट बनाया हमने, तो और इसको लोगों को सर्व करने के लिए दिया है हमने। बिल्कुल, ये जो रिजॉर्ट है इसका नाम है मचेल रिजॉर्ट। आप लोग भी यहाँ पर आएँ दरबार में, तो यहाँ पर आकर रहने की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी लोग दिल्ली से आए हैं, और अब दिल्ली में और साथ ही में जो बाकी राज्य हैं हमारे देश के, मैं उनको भी कहूँगा कि एक बार आप इस यात्रा पर ज़रूर आइए, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी वेबसाइट है मचेल माता जी की, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जम्मू टूरिज़्म की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अलग अलग तरह से जेके मीडिया पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप आना चाहें तो आपने कैसे आना है। सभी को जय माता दी और जय चंडी माता जी की, सनातन धर्म की जय। जय माता।